हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र सेट 2023 के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद डैश इकोनॉमिक्स। ऑप्शन है नॉर्मेटिव, पॉजिटिव, अल्टरनेटिव या डिस्क्रिप्टिव। बिजनेस इकोनॉमिक्स इट इज कंसर्न्ड विद नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के केस में हम क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक्स कैन बी पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेट्स व्हाट इज, ये किस पे बेस्ड है, फैक्ट्स पर बेस्ड है। दूसरा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेट्स व्हाट ऑट टू बी, इट इज कंसर्न्ड विद आइडियल एंड बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जजमेंटल होता है, इट इज बेस्ड ऑन जजमेंट्स। तो अगर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के केस में बात करें, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बताता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व, हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। नॉर्मेटिव क्या बताता है, हाउ प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड, कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है। दैट इज, इट इज बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यूज या जजमेंट्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, क्यों है कि मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, कैसे इकोनॉमिक थियोरीज और मॉडल्स को यूज किया जाए बाय द बिजनेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। दैट मींस यह क्या करता है, सजेशंस बताता है कि कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीजेस The demand for automobile increases. It implies that petrol and automobiles are substitute goods, complementary goods, inferior goods या फिर normal goods. तो देखिए question में हमारे क्या कह रहा है कि जो petrol है इसकी price क्या हो रही है, decrease हो रही है, जिसकी वजह से जो automobiles हैं इनकी जो demand है वो क्या कर रही है, increase कर रही है। That means यहाँ हमको क्या देखने को मिल रहा है, एक inverse relationship देखने को मिल रहा है between the two goods। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, price of related goods। ये सभी हैं हमारे determinants of demand। Price of related goods में दो तरीके की बात होती है, दो तरीके की goods की बात होती है, एक होते हैं substitute goods और दूसरे होते हैं complementary goods। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या है, जो एक दूसरे की जगह पर यूज किए जा सके, फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, वो गुड्स जिनको साथ में इस्तेमाल किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है, जब किसी एक गुड की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे गुड की डिमांड बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर टी की अगर प्राइस इंक्रीज कर जाती है तो क्या होगा कि लोग टी के बजाय कॉफी पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो जो कॉफी की डिमांड होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में हमको कैसा रिलेशन देखने को मिलता है, डायरेक्ट। वहीं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, ऐसे गुड्स जो साथ में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम कहें कि कार का दाम बढ़ गया है, कार की प्राइस बढ़ जाएगी, तो लोग कार की डिमांड कम करेंगे। ऐसे केस में जो पेट्रोल है उसकी जरूरत कम पड़ेगी, तो पेट्रोल की डिमांड जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। यानी यहाँ पर नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पेट्रोल और ऑटोमोबाइल की प्राइस और डिमांड की बात हो रही है, तो ये दो गुड्स कैसे गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। इंफीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स का केस क्या है, कंज्यूमर की इनकम से एसोसिएटेड होता है। अगर कंज्यूमर की इनकम में परिवर्तन होता है तो उस केस में इन दो गुड्स की बात होती है। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, और इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें कंज्यूमर की अगर इनकम बढ़ जाती है तो कंज्यूमर क्या करता है, इसकी डिमांड कम करता है। क्यों कम करता है, क्योंकि जब अब उसकी इनकम बढ़ गई है तो अब वो सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स को यूज करता है, ना कि इंफीरियर क्वालिटी के। इसीलिए इनकम बढ़ने पे जो डिमांड होती है इंफीरियर गुड्स की वो कम हो जाती है। इन सभी टॉपिक्स को मैंने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उन वीडियोस को डिटेल में अगर स्टडी करना चाहते हैं तो देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व. ऑप्शन है इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, दूसरा है इंडिफरेंस कर्व इज कॉनकेव टू ओरिजिन, नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, अ हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन. तो इंडिफरेंस कर्व आईसी, इसके जो डेवलपमेंट है, आईसी के डेवलपमेंट का श्रेय जाता है हिक्स एंड एलन को. प्रोफेसर हिक्स की किताब है वैल्यू एंड कैपिटल, इसमें इन्होंने इंडिफरेंस कर्व का एक्सप्लेनेशन दिया है. कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होगा इसको बताने के लिए प्रोफेसर मार्शल ने क्या यूज किया था, कार्डिनल मेजरमेंट का इस्तेमाल किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि जो यूटिलिटी होती है इट कैन बी मेजर्ड, यूटिलिटी मेजरेबल है. बट हिक्स का क्या कहना है कि जो यूटिलिटी है वो मेजरेबल नहीं होती है, बल्कि हम क्या कर सकते हैं उसको ऑर्डर में लगा सकते हैं. तो इन्होंने क्या किया, ऑर्डिनल मेजरमेंट दिया और इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस का कॉन्सेप्ट दिया. डिफरेंट जो यूटिलिटीज है इसमें कंपैरिजन किया. जो कंज्यूमर है वो क्या करता है कि अपनी वेरियस यूटिलिटीज को अरेंज करता है, सीक्वेंस में करता है या ऑर्डर में लगाता है. तो इनडिफरेंस कर्व क्या बताता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो कि एक कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं. और कंज्यूमर क्या होता है, इनडिफरेंट होता है इनको चूज करने में या सिलेक्ट करने में, क्योंकि जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं. इसीलिए इनडिफरेंस कर्व को हम इक्वल सेटिस्फैक्शन कर्व भी कहते हैं. मान लीजिए दो कमोडिटीज हैं, कमोडिटी ए और कमोडिटी बी. इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या शो करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. जैसे मान लीजिए इंडिफरेंस कर्व पे यहाँ पे पॉइंट ई है, तो पॉइंट ई पे क्या कमोडिटी ए की कुछ यूनिट्स और कमोडिटी बी की कुछ यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है. फिर मान लीजिए पॉइंट एफ पे आ जाता है. अब मान लीजिए कि कमोडिटी ए की एक यूनिट का कंजम्पशन कर रहा है अगर, तो उस कॉम्बिनेशन में कितना कंजम्पशन करेगा वो कमोडिटी बी का, 14 यूनिट्स का. अब अगर कंज्यूमर चाहता है कि कमोडिटी ए की यूनिट्स को वो बढ़ाए, यानी 1 यूनिट से वो 2 यूनिट्स पर आए, तो इस केस में उसको कमोडिटी बी की कुछ यूनिट्स को फोरगो करना पड़ेगा, यानी कुछ यूनिट्स को छोड़ना पड़ेगा, तभी वो कमोडिटी ए की सेकेंड यूनिट को बढ़ा पाएगा. दैट मीन्स किसी एक यूनिट की अगर कंजम्पशन बढ़ानी है तो किसी दूसरी जो गुड है उसकी जो यूनिट्स है उसको कम करना पड़ता है. इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. जब कई सारे इंडिफरेंस कर्व जो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बताते हैं उनको हम एक साथ एक ही ग्राफ में या एक ही डायग्राम में शो करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंडिफरेंस मैप. तो अगर हम प्रॉपर्टीज को देखें तो सबसे पहला यहाँ पर देखिए क्या दिया है, इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. तो ये बिल्कुल सही है. इंडिफरेंस कर्व क्या है, देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये क्यों है, ड्यू टू MRS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. दैट इज कि अगर हमको किसी एक कमोडिटी की यूनिट को बढ़ाना है तो दूसरी कमोडिटी की यूनिट्स को हमको, क्वांटिटी को हमको रिड्यूस करना पड़ेगा इक्वल सेटिस्फैक्शन मेंटेन करने के लिए. दूसरा क्या है यहाँ पर, इनडिफरेंस कर्व इज कॉनकेव टू ओरिजिन. तो ये गलत है. इनडिफरेंस कर्व इज बेसिकली कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. क्यों कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, MRS की वजह से आप देख सकते हैं कि जो इनडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, यानी कि उसकी जो टेंडेंसी क्या है वो डिमिनिशिंग की है. नेक्स्ट देख लेते हैं, इनडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ये भी सही है, दो इनडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हर इनडिफरेंस कर्व क्या है, डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बताता है. तो दो इनडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि कौन से आईसी पे या कौन से इनडिफरेंस कर्व पे हमको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है. लास्ट देखिए दिया है, द हायर इनडिफरेंस कर्व गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन. ये भी बिल्कुल सही है. हायर आईसी कर्व, यहाँ पे आप देखिए इनडिफरेंस मैप पे जो आईसी 4 है ये हायर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा. तो हायर द आईसी हायर विल बी द सेटिस्फैक्शन. तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इनडिफरेंस कर्व इज कॉनकेव टू ओरिजिन, ये रॉन्ग है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन शॉर्ट रन. पहला है चेंज इन क्वांटिटी ऑफ लेबर एम्प्लॉयड, दूसरा है डिक्रीज इन आउटपुट, थर्ड है इंक्रीज इन कैपेसिटी और फोर्थ है रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ प्लांट. तो शॉर्ट रन पीरियड क्या होता है? ऐसा पीरियड होता है जिसमें कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लैंड को ले लें और लेबर को ले लें एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो लैंड क्या होगा, ये क्या है, फिक्स्ड रहेगा, और जो लेबर है ये क्या होगा, वेरिएबल होगा. तो शॉर्ट रन में क्या होता है, कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं. तो यहाँ क्या होता है, लिमिटेड टाइम पीरियड होता है जिसमें एज पर डिमांड जो सप्लाई होती है उसको एडजस्ट करना पड़ता है एक बिजनेस फॉर्म को. कभी कभी सडन चेंज आ जाता है डिमांड में, तो उसकी वजह से कुछ इनपुट्स में परिवर्तन करके, कुछ इनपुट्स में चेंज करके जो डिजायर्ड आउटपुट है उसको अचीव किया जा सकता है. लॉन्ग रन में क्या होता है कि सभी फैक्टर्स थे वो वेरिएबल होते हैं. दैट मीन्स इतना टाइम होता है कि हम अपने सभी फैक्टर्स को या इनपुट्स को चेंज कर सकते हैं. तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो पहला देखिए दिया है चेंजिंग क्वांटिटी ऑफ लेबर एम्प्लॉयड, तो ये बिल्कुल सही है. शॉर्ट पीरियड में लेबर जो है ये क्या है, वेरिएबल फैक्टर्स है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि क्वांटिटी में चेंज करते हैं. दूसरा क्या है, डिक्रीज इन आउटपुट, तो ये भी शॉर्ट रन में पॉसिबल है कि आउटपुट कम हो सकता है. कैसे कम होगा, कि एक फिक्स्ड फैक्टर है और एक वेरिएबल फैक्टर है. एक पर्टिकुलर फिक्स्ड फैक्टर के साथ जब हम वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते जाएंगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 100 पर आपका फिक्स्ड फैक्टर है, लैंड फिक्स्ड है, पहले हमने एक यूनिट लेबर की लगाई, फिर दो लगाई, फिर तीन लगाई, फिर चार लगाई, एंड सो ऑन. तो एक फिक्स फैक्टर के साथ जब आप वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते जाएंगे तो एक समय के बाद जो आउटपुट होता है वो क्या करेगा, डिक्रीज करने लगेगा. नेक्स्ट है इंक्रीज इन कैपेसिटी, तो इंक्रीज इन कैपेसिटी ये पॉसिबल नहीं है शॉर्ट रन में. शॉर्ट रन में लिमिटेड टाइम पीरियड होता है और कुछ फैक्टर्स फिक्स हैं, कुछ वेरिएबल हैं, यानी कि जो फिक्स फैक्टर्स हैं आपके उनकी कैपेसिटी को हम इंक्रीज नहीं कर सकते. वहीं लॉन्ग रन में इतना लंबा समय होता है और सभी फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, तो वहां पर हम कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं. लास्ट, रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ प्लांट, ये भी बिल्कुल सही है. शॉर्ट रन में रेगुलर मेंटेनेंस हम करते हैं प्लांट का. तो यहां पर देखिए ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल रिफर्स टू. पहला है मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट, दूसरा है प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट, लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट, या मल्टी प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट. तो देखिए रिटर्न्स टू स्केल ये आपका एसोसिएटेड है लॉन्ग पीरियड से या फिर लॉन्ग रन से. तो लॉन्ग रन में भी हमने क्या देखा, जो सभी फैक्टर्स होते हैं वो क्या है, वेरिएबल हैं. सभी फैक्टर्स चेंजेबल हैं, हम उनको चेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या है कि आउटपुट जो है इसमें जो प्रोपोर्शनल चेंज है वो ज्यादा है, मोर है, इन कंपेरिजन टू प्रोपोर्शनल चेंज इन इनपुट. यानी कि जो दो इनपुट हैं उनको अगर हम इंक्रीज करते हैं तो जितना हमने इंक्रीज इनपुट में किया है उससे ज्यादा इंक्रीज किस में हो रहा है, आउटपुट में हो रहा है. द प्रोपोर्शनेट चेंज इन आउटपुट इज मोर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज और इंक्रीज इन इनपुट. तो उस केस में क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. इंक्रीजिंग के अलावा क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है. कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जो प्रोपोर्शनेट चेंज है इनपुट में उतना ही आउटपुट में भी चेंज आ रहा है. और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या है, व्हेन द प्रोपोर्शनल चेंज इन आउटपुट इज लेस देन द प्रोपोर्शनल चेंज इन इनपुट्स. यानी इनपुट में हमने जितना चेंज किया है उसके कंपेरिजन में जो आउटपुट है उसमें कम चेंज आया है. तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला करेक्ट होगा, मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ कॉम्बिनेशन वेयर द स्लोप ऑफ आइसोक्वांट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन. ऑप्शंस है बैलेंस्ड कॉस्ट इनपुट, लीस्ट कॉस्ट इनपुट, मैक्सिमम कॉस्ट इनपुट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, लीस्ट कॉस्ट इनपुट. अभी जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व देखा कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम में, वैसे ही प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में भी हम इसी तरीके का कर्व देखते हैं जिसको हम बोलते हैं आइसोक्वांट कर्व या फिर इक्वल प्रोडक्ट कर्व. आइसोक्वांट कर्व क्या बताता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स विच गिव सर्टेन आउटपुट. तो यहाँ पर आप देखिए पॉइंट ई कॉम्बिनेशन पे क्या हो रही है, एक यूनिट लेबर है तो कितना कैपिटल है, 10 यूनिट्स है. कॉम्बिनेशन एफ पर देखिए, दो यूनिट अगर लेबर की हमको करनी है तो हमको कैपिटल कितना लगाना होगा, 5 यूनिट्स के बराबर. अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है आइसोकॉस्ट लाइन. अब आइसोकॉस्ट लाइन क्या होती है? तो जैसे कंज्यूमर के कॉन्सेप्ट में हमने बजट लाइन के बारे में पढ़ा था, वैसे ही आइसोकॉस्ट लाइन होती है. आइसोकॉस्ट लाइन क्या बताती है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स या फैक्टर्स जो कि एक फर्म परचेज कर सकती है एट अ गिवन प्राइस विद द गिवन आउटले या विद द टोटल आउटले ऑफ द फर्म. एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि फर्म की जो टोटल आउटले है रुपीज 5000 है. अब उसको दो फैक्टर्स पे ये खर्चा करना है, मशीन पे और वर्कर पे. ये 5000 वो किस तरीके से खर्चा करेगी डिपेंडिंग अपॉन दी प्राइस. जैसे मान लीजिए कि जो मशीन है इसकी जो प्राइस है वो 1000 रुपए है और जो वर्कर है उसका डेली वेज क्या है, 10 रुपए है. इस केस में क्या होगा, 5 मशीन्स या 500 लेबर लगाए जा सकते हैं विद द गिवन आउटले. और जो आइसोकॉस्ट लाइन होती है वो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होती है. तो अब बात आती है कि लीस्ट कॉस्ट इनपुट क्या होता है. तो कोई भी फर्म होगी तो वो क्या चाहेगी कि ऐसे कॉम्बिनेशन को वो चूज करे जहां पर उसकी कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो और आउटपुट को वो मैक्सिमम कर सके. यहाँ पर 3 आइसोकॉस्ट लाइन आप देख सकते हैं. तो अब आइसोक्वांट कर्व और आइसोकॉस्ट लाइन के बेस पर हम ये पता करेंगे कि कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, मिनिमम कॉस्ट आएगी या ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन होगा. तो वो पॉइंट जहां आइसोक्वांट कर्व टेंजेंट होता है आइसोकॉस्ट लाइन के, वो रिप्रेजेंट करती है मिनिमम कॉस्ट या ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन. यानी यहाँ पर आप देखिए अगर हम पॉइंट ई को देखें तो इस जगह देखिए क्या हो रहा है कि आइसोक्वांट इज टेंजेंट टू आइसोकॉस्ट लाइन. तो ये क्या है, ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पर मिनिमम कॉस्ट आपको देखने को मिलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द टोटल कॉस्ट इक्वल्स टोटल रेवेन्यू इट इज नोन एज एक्सपेंशन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट या फिर फोकल पॉइंट. तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ब्रेक इवन पॉइंट. व्हेन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट. तो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जहां पर डिफरेंस मैक्सिमम होता है वहां पर फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न होता है. यहां पर देखिए पॉइंट ए पर, यहां पर क्या है, जो गैप है या जो डिफरेंस है वो क्या है, मैक्सिमम है. तो यहां पर फर्म को क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न होगा जहां पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस जो है वो सबसे ज्यादा है. इसके अलावा देखिए अब दो पॉइंट्स और है, पॉइंट ई है और पॉइंट एफ है, जहां पर टीआर और टीसी मीट कर रहे हैं. यहाँ जो दो ये पॉइंट्स हैं ई और एफ हैं, यहाँ पर देखिए टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है, टीआर इज इक्वल टू टीसी एट पॉइंट ई एंड एट पॉइंट एफ. तो ये ही क्या है, आपके ब्रेक इवन पॉइंट है जहां पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है. दैट मीन्स देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस. प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस आर लीस्ट. ऑप्शंस है मोनोपोली, डुओपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और ओलिगोपोली.
तो देखिए मोनोपोली में क्या होता है, एक सिंगल सेलर होता है। डुओपोली में क्या होते हैं, आपके टू सेलर्स हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होते हैं, आपके लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। और ओलिगोपोली का क्या मतलब है, आपके फ्यू सेलर्स। तो यहां पर अगर हम देखें तो मोनोपोली में क्या है, एक सिंगल सेलर है, तो यहां पर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस की ज्यादा रिक्वायरमेंट आपको देखने को नहीं मिलती है। बेसिकली हम एडवर्टीजमेंट पे खर्चा क्यों करते हैं, या एक फर्म एडवर्टीजमेंट पे खर्चा क्यों करती है, ताकि पहले तो वो इन्फॉर्म कर सके कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट के बारे में, दूसरा वो क्या कर सके, अपने प्रोडक्ट की तरफ सेलर अट्रैक्ट कर सके कंज्यूमर्स को। वो कोशिश करता है थ्रू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स उसके प्रोडक्ट को खरीदे। तो मोनोपोली के केस में क्या है, एक सिंगल सेलर है, ऑप्शन नहीं है कंज्यूमर्स के पास कि वो किसी और सेलर के पास जाकर के प्रोडक्ट खरीद सके। तो ऐसे केस में मोनोपोलिस्ट को एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पे खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, या हम कह सकते हैं कि कम से कम खर्चा करने की जरूरत पड़ती है। सिर्फ इन्फॉर्म करना होता है उसको कंज्यूमर्स को कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहा है, उनको सस्टेन करने के लिए या अपने पास लेकर के आने के लिए ज्यादा खर्चा करने की एडवर्टीजमेंट पर जरूरत नहीं पड़ती। तो यहां पर देखिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मोनोपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू द कंज्यूमर सरप्लस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ऑप्शंस हैं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट प्राइस कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पेस। दूसरा है द टोटल बेनिफिट द कंज्यूमर रिसीव्स बियॉन्ड व्हाट दे पे। नेक्स्ट इट इज द वैल्यू दैट कंज्यूमर रिसीव्स। और लास्ट है इट इज एक्स्ट्रा प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर। तो जो ये टर्म है कंज्यूमर सरप्लस, या जो ये कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर सरप्लस, इसको सबसे पहले विजुअलाइज किया था ड्यूपिट ने इन द ईयर 1844। बाद में साइंटिफिक और ब्रॉड एक्सप्लेनेशन दिया है प्रोफेसर मार्शल ने, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स किताब में इन्होंने कंज्यूमर सरप्लस के कॉन्सेप्ट को बताया। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या है, अ प्राइस कंज्यूमर इज रेडी टू पे लेस प्राइस ही एक्चुअली पेज। यानी कंज्यूमर जितना प्राइस पे करने के लिए तैयार है माइनस जितना प्राइस वो एक्चुअली में पे करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर 500 रुपीज पे करने के लिए तैयार है और एक्चुअली में वो सिर्फ 200 रुपए ही पे करता है, तो 500 माइनस 200 ये रुपीज 300 जो बच रहा है, यही कंज्यूमर का सरप्लस है या कंज्यूमर सरप्लस है। दैट मींस प्राइस विच कस्टमर इज रेडी टू पे माइनस प्राइस विच ही एक्चुअली पेज, यही आपका कंज्यूमर सरप्लस होता है। तो क्वेश्चन को अगर हम देखें, ऑप्शन ए देखिए, इट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट प्राइस कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज, तो ये सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है, इट इज द टोटल बेनिफिट द कंज्यूमर रिसीव्स बियॉन्ड व्हाट दे पे। जितना कंज्यूमर पे कर रहा है उससे ज्यादा जो टोटल बेनिफिट उसको मिल रहा है, ये कंज्यूमर सरप्लस बताता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इट इज द वैल्यू दैट कंज्यूमर रिसीव्स, तो बिल्कुल सही है। लास्ट दिया है, इट इज द एक्स्ट्रा प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर, तो ये गलत है। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब एक्स्ट्रा प्राइस कंज्यूमर पे करता है, ये नहीं होता है। यहां पर देखिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगर आप हमारे लेक्चर्स के फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा महाराष्ट्र सेट 2023 के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस। होपफुली चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।